21-22 की रात को एक कैंटर चालक और एक उसका क्लीनर दोनों फरीदाबाद से मारुति सुजुकी का स्पेयर पार्ट लेके और सुजुकी में खाली करने के लिए आए थे। वहाँ से खाली करने के बाद रात को 2 बजे जब वो वापस जा रहे थे फरीदाबाद के लिए, तो घाटा वाली रेड लाइट से पहले सेक्टर 56 के पास I-20 गाड़ी में सवार 2 युवकों ने उसकी गाड़ी को रुकवाया, उन दोनों को मारपीट के नीचे उतारा खिड़की खोल के, उनकी तलाशी लेके जो उनसे रुपए मिले वो रुपए लूट ले गए और उनके जो फोन थे गाड़ी में वो भी लूट ले गए और उनके साथ मारपीट करके वो भाग गए, जिसमें एक सरदार था, एक वैसा मुन्ना था, जिसके संबंध में उसकी शिकायत देने पर हमने सेक्टर 56 में केस रजिस्टर करके लूट के मामले का और इन्वेस्टिगेशन शुरू की। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन हमारी क्राइम ब्रांच सेक्टर 17 ने इंस्पेक्टर नरेंद्र चौहान के नेतृत्व में बढ़िया काम करते हुए इसमें शामिल दोनों लड़कों को अरेस्ट कर लिया है, जिसमें अमृतपाल सिंह ये उत्तम नगर दिल्ली का रहने वाला है और अजीत जो है सुल्तानपुरी का रहने वाला है। इनसे पूछताछ की गई, पूछताछ के बाद इनसे इन्होंने इस बात की स्वीकृति की कि हमने ये वारदात की थी और हमने उसी दिन एक पिकअप गाड़ी वाले के साथ भी मारपीट करके रिश्ते की वारदात की थी। हमने उनसे जो घटना में प्रयोग I-20 गाड़ी को रिकवर कर लिया और लूटे गए पैसे रिकवर किए। आज उनको पहले हमने पुलिस रिमांड पे लिया था, उसके बाद आज उनको कोर्ट में पेश किया जा रहा है और आगामी इन्वेस्टिगेशन जारी। कितने कुछ क्राइम रिकॉर्ड अभी पूरी डिटेल अभी पता की जा रही है, अभी तो इनसे दो हमारे यहाँ इन्होंने 2 वारदात की थी उसके बारे में पता था। बाकी लेटेस्ट खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।